हे गाइस, तो सैमसंग के कुछ ऐसे फीचर्स जो वन यूआई 7 अपडेट के साथ आपको देखने को नहीं मिलेगा। यस, अगर मैं कंपेयर करूँ वन यूआई 6.1 या फिर 6.1.1, तो ऐसे कुछ फीचर्स है जो सैमसंग रिमूव करने जा रहा है अपने नए सैमसंग वन यूआई 7 के अपडेट के साथ। अब ये चीज सैमसंग के साथ नया नहीं है या फिर किसी भी ब्रांड की यूआई के साथ नया नहीं है। जब भी नया अपडेट आता है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें सिर्फ नए फीचर्स से देखने को मिलेगा। कुछ ऐसे पुराने फीचर्स होते हैं जो नए यूआई के अपडेट के साथ उसे रिमूव किया जाता है। तो कौन कौन से वो फीचर्स है जो आपको वन यूआई 7 के अपडेट के साथ नहीं देखने को मिलेगा, इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। अब सबसे पहला फीचर हो गया एज पैनल का। एज पैनल में आप काफी सारी चीजें यहाँ पे शॉर्टकट में अटैच करके रख सकते हो, एंड यहाँ पे आपको और भी काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाता है। जैसे कि अगर आप एडिट पे जाओगे तो यहाँ पे आप अपने पसंद के हिसाब से कोई भी एप्लीकेशन को ऐड करके रख सकते हो। अगर आप सेटिंग्स पे जाओगे, गैलेक्सी स्टोर में जाओगे, तो यहाँ पे आपको और भी काफ़ी सारे एज पैनल का विजेट देखने को मिलेगा, जो कि आप अपने हिसाब से किसी को भी डाउनलोड करके रख सकते हो एंड इसका इस्तेमाल कर सकते हो। एंड इनमें से कुछ पेड वर्जन भी है, कुछ फ्री भी है, कुछ नया भी है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाता है, अलग अलग टाइप का, वैरायटी टाइप का आपको यहाँ पे एज पैनल देखने को मिलता है। अब सैमसंग वन यूआई 7 अपडेट के साथ इस एज पैनल फीचर को रिमूव करने जा रहा है। मींस कि अभी अगर आप देखोगे तो वन यूआई 6.1 में या फिर 6.1.1 के अंदर आपको टैप करने से गैलेक्सी स्टोर आप जा पाओगे, एंड यहाँ से आप अपने पसंदीदा कोई भी एज पैनल को डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। बट वन यूआई 7 अपडेट के साथ ये जो गैलेक्सी स्टोर में आप जा रहे हो, इसका ऑप्शन ही आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट हाँ, अगर आपने एक बार कोई भी एज पैनल को डाउनलोड कर लिया या फिर जो भी आपका एग्जिस्टिंग एज पैनल है, जैसे ही आपके फ़ोन में वन यूआई 7 का अपडेट आएगा, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। एंड इससे पहले आपने जो भी एज पैनल डाउनलोड किया है, आप ऐप के हिस्ट्री सेक्शन में जाके उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। मीन्स कि अगर मैं माई ऐप के अंदर जाऊँ तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे एप्लीकेशन है जो मैंने पहले एक बार डाउनलोड किया था, बट अभी वो एज ए हिस्ट्री पे है। तो यहाँ से आप उन सारे एज पैनल को डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हो। बट अगर आप ढूंढ रहे हो कोई नए एज पैनल, तो वो आपको वन यूआई 7 के साथ देखने को नहीं मिलेगा। फिर नेक्स्ट हो गया, अगर आप लॉक स्क्रीन पे हो एंड जैसे ही आप इस क्लॉक के ऊपर टैप करते हो, आपको यहाँ पे काफ़ी सारे विजेट्स देखने को मिलता है। इनफैक्ट अगर आप सेटिंग्स पे जाओगे एंड अपना फ़ोन को अनलॉक करोगे, तो यहाँ पे आप अपने पसंदीदा कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हो। लाइक यहाँ पे और भी कुछ ऑप्शंस है जिसे मैंने ऑफ करके रखा हूँ, जैसे कि वेदर हो गया, नेक्स्ट अलार्म हो गया, रूटीन हो गया, स्मार्ट थिंग्स हो गया, डिजिटल वेलबींग हो गया। तो अगर मैं इन सभी को अलाउ कर दूँ एंड वापस से लॉक करूँ एंड सिंपली क्लॉक के ऊपर टैप करूँ, तो ये आपको यहाँ पे काफ़ी सारे शॉर्टकट विजेट्स देखने को मिलता है। बट ये सभी चीज़ें सैमसंग वन यूआई 7 के साथ रिमूव करने जा रहा है। तो ये सारे विजेट सेक्शन आपको वन यूआई 7 के साथ देखने को नहीं मिलेगा। एंड बाय द वे, ये जो शॉर्टकट है, ये काफ़ी सारे सैमसंग यूजर्स को नहीं मालूम है। क्या आपको इसके बारे में मालूम था? अगर नहीं तो कमेंट करके बताना। एंड अगर आपको इसके बारे में मालूम था, तो आप सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किसका करते हो? मैं बेसिकली रिकॉर्ड एप्लीकेशन का करता हूँ। बाकी आप नीचे मुझे कमेंट करके ये चीज ज़रूर बताना। फिर नेक्स्ट फीचर जो सैमसंग रिमूव करने जा रहा है, वो कैमरा एप्लीकेशन के अंदर दिखेगा। एंड अगर आप कैमरा एप्लीकेशन की मोर सेक्शन के अंदर आते हो, तो यहाँ पे आपको AR जोन करके एक ऑप्शन मिलेगा। एंड अभी अगर आप AR जोन के ऊपर टैप करोगे, तो अभी अगर आप वन यूआई 7 में अपडेट नहीं किए हो, तो आपको यहाँ पर एक नोटिस होगा। तो बेसिकली इस नोटिस के अंदर यही कहा जा रहा है कि गैलेक्सी अवतार करके इसे रिनेम किया जा रहा है। एंड अभी आपको ये चीज़, अभी मतलब कि वन यूआई 7 अपडेट के बाद, ये फीचर आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। फिर नेक्स्ट फीचर जो सैमसंग रिमूव करने जा रहा है, वो हो गया आपका डैक्स मोड। अब डैक्स मोड मुझे नहीं मालूम कि इससे पहले आपने क्या यूज़ किया था, नहीं किया था, ये चीज़ तो आप नीचे मुझे कमेंट करके बताना। बट डैक्स मोड एक बहुत ही अच्छा फीचर था। बट बेसिकली सैमसंग का यही कहना है कि फ़ोन लिंक या फिर फ़ोन ऐप विंडोज़ 11 के साथ ऑलरेडी है, तो डैक्स मोड अलग से इसकी ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप वायर्ड के थ्रू अपने विंडोज़ पीसी में कनेक्ट करोगे, तो आपका कनेक्ट नहीं होगा। नहीं, कनेक्ट भी होगा एंड आप डाटा भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। बट कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स जो हमें डैक्स मोड के साथ देखने को मिलता था,
वो अब देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर कर देना, साथ ही साथ ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे देखने के लिए आई डिजिटल टच को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।